दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा का मंथन चल रहा है। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, साथ में मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली पहुंच चुके हैं। 70 के संग्राम में अब आपको दिखाते हैं उद्धम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट का सियासी गणित क्या है। ये सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पिछले चुनाव में पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव हार गए थे। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट रुद्रपुर विधानसभा सीट का हिस्सा हुआ करती थी, मगर 2012 में इसे अलग कर दिया गया। परसीमन के दौरान किच्छा को अलग विधानसभा सीट बना दिया गया। 2012 में हुए चुनाव में सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया और राजेश शुक्ला विधायक चुने गए। 2017 विधानसभा चुनाव में सीट पर पूर्व सीएम हरीश रावत चुनावी मैदान में उतरे, उनके सामने भाजपा ने फिर से राजेश शुक्ला को टिकट दिया। मोदी लहर की वजह से राजेश शुक्ला चुनाव जीत गए और हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा। राजेश शुक्ला को भरोसा कि इस बार वो जीत की हैट्रिक जरूर मारेंगे। तीन आयामों पे काम किया। एक तो ये है कि जो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय जितनी उन्होंने घोषणाएं की थी जो झूठी साबित हुई थी उन सबको मैंने पूरा किया, प्लस मैंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था वो सब पूरा किया, प्लस मेरे मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी उन्हें अब हम पूरा करा रहे हैं लगातार। तो तीन तरह की चुनौतियां मेरे सामने थी। हालांकि इस बार सूबे में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। कांग्रेस का कुमाऊं पर पूरा फोकस है, आम आदमी पार्टी भी इस इलाके में काफी सक्रिय है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि राजेश शुक्ला इस बार भी अपनी जीत कायम रख पाएंगे या फिर नहीं। एबीपी गंगा के लिए किच्छा से विकास कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पिछले चुनाव का यहां से रिजल्ट क्या रहा था। 2017 चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजीव शुक्ल ने पूर्व सीएम हरीश रावत को यहां से चुनाव हरा दिया था और यही वजह है कि ये सीट अपने आप में बेहद खास बन गई है। और अब सुनते हैं कि किच्छा से विधायक जो दावा कर रहे हैं, जिन्होंने विकास में काफी काम कराए ऐसा वो कहते हैं, जिसकी बदौलत जनता उन्हें फिर से चुनेगी, मगर विपक्ष उनके दावों पर सवाल उठाता है। क्या कहना है सुनिए। इस तरह का एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और पिछले 20 साल से लटका पड़ा था, तो उसके लिए 350 करोड़ रुपए एक साथ भारत सरकार से लेकर मैं हवाई अड्डा इंटरनेशनल बने ऐसा हमारे घोषणा पत्र में नहीं था और वो मेरा कार्यक्षेत्र भी नहीं है, भारत सरकार का कार्यक्षेत्र है। लेकिन उसके लिए स्टेट जमीन दिलाना, उस घोषणाओं को पूरा कराने के लिए 2200 करोड़ रुपये की सेंक्शन लेना, उसकी DPR बन गई, कैबिनेट ने पास कर दिया, ऐतिहासिक काम है मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे राज्य के लिए। सड़कें बहुत खराब स्थिति में है, इंटरनल सड़कें यदि आप किच्छा विधानसभा में चले जाइए तो बहुत बुरी स्थिति के अंदर है। डिग्री कॉलेज हमने कब मंजूर कर दिया, कब उसका, अब बड़ी मुश्किल से अब स्टार्ट हो रहा है। औद्योगिकरण के लिए हम बड़ी जमीन को निकाल करके गए, शिटकुल को सौंप करके गए, इन लोगों ने सब विवाद में डाल दिया, एक भी नई इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं आ पाई। वादे दावे एक तरफ, दिखाते हैं किच्छा विधानसभा में जनता के बीच बड़े मुद्दे क्या हैं। पहली बात आती है बस स्टैंड का विस्तारीकरण, ये यहाँ का बड़ा मुद्दा है। फिर आती है विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कें, सड़कें ठीक नहीं है। खुरपिया में सिडकुल ना बन पाना ये भी बड़ा मुद्दा है। पार्किंग, शहर में पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं है और अस्पताल में मशीनों की कमी दिखाई देती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किच्छा विधानसभा की जनता विधायक जी के कामकाज से कितनी खुश है। विकास का काम जो मजबूत टिकाऊ आधार होना चाहिए था वो विकास का काम नजर नहीं आता, क्योंकि हर तरफ कहीं सड़कें टूटी हुई हैं। आप सतुलिया चली जाइए, आप महाराजपुर से कनकपुर चले जाइए। 5 साल में किच्छा की जनता जो है कि इस BJP को सरकार को वोट देने के बाद, इस विधायक को वोट देने के बाद जो अपेक्षाएं थी उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। विधायक जी ने काम जो कराया है वो उनको थोड़ा और काम कराना चाहिए, जैसे सड़कें हो गई, रोडवेज हो गया, रोडवेज अच्छा बनना चाहिए। और 20 अक्टूबर को हरिद्वार के माया देवी मंदिर से शुरू हुई पवित्र छड़ी यात्रा चारों धाम से होते हुए कर्णप्रयाग पहुंची। इस दौरान संतों ने
पुष्प वर्षा के साथ छड़ी यात्रा का स्वागत किया। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। जोशीमठ की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है और बद्रीनाथ धाम में भी काफी बर्फबारी हुई है। सर्दी का मौसम अभी आया नहीं है, मगर इस बार पहले से ही बर्फबारी देखी जा रही है। बर्फबारी होने से तीर्थयात्री बहुत खुश हैं। भगवान के दर्शन करने के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिल गया है। उधर हेमकुंड साहिब में भी मौसम बदल गया है। बदलते मौसम के साथ ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। इस समय हेमकुंड साहिब के कपाट तो बंद है। फूलों की घाटी की आप बात करते हैं तो वहां भी बर्फबारी हुई है, वहां भी एंट्री बंद है।